बढ़ते हुए पेट्रोल व डीजल के दाम आज सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं। इसके दामों में बढ़ोतरी देखते हुए कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी के दिशा निर्देशों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूके। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदियां कीमतें वापस लो। एक ही होया, मोदी होया, एक ही होया, मोदी होया। मोदियां देश को, नरेंद्र मोदी, मर गया, नरेंद्र मोदी, मर गया, वापस लो, वापस लो। साढ़े प्रधान राहुल गांधी जी के दिशा निर्देशों से अज सारे देश के नरेंद्र मोदी के पुतले फूक के रोस मुजहरा किया गया। उस लड़ी तहत अज आत्मनगर के भी अपने साथियों समेत सारे वर्कर वो मिल के मोदी का पुतला फूक के जोड़ा मुजहरा किया गया। तो असं मोदी को अपील करते हैं भी जोड़ा ये देश लोकतंत्र है, कोई तानाशाह नहीं है, जिथे भी तेरी तानाशाही रवैया जोड़ा चलूगा तेनों अपील करते हैं प्रधानमंत्री साहब न भी जोड़े वधे हुए तेल के रेट है इन्हों वाजिब रेटा के जो इंटरनेशनल पद्धर से बैरल का रेट है वो मुताबक जोड़ा डीजल तो पेट्रोल जो मुहैया कराया जाए। सर आप ये देखें आज ना इंडिया में वो हालात हो गए हैं कि 10 साल और विद इन 2-3 सालों में ना हम सबको गाड़ियाँ छोड़ के हम सबको गड्ढों साइकिलों में जाना होगा। जो हालत देश की हो रही है, मोदी जी हमेशा बोलते हैं भाइयों व बहनों, भाइयों व बहनों, वो सिर्फ भाइयों बहनों करते करते ही सबका कांड कर गए हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में 105 बैरल था एंड द रेट वॉज 65 आई थिंक यस एंड द बैरल ऑफ द क्रूड ऑयल इज नाउ 55 एंड द रेट इज 85। मेरे को बात समझ नहीं आती है व्हाट द हेल इज मोदी 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 गवर्नमेंट डूइंग। वो कर क्या रहे हैं, सिर्फ अपनी जेब भरने से या टॉप 5 इंडस्ट्रीज को तुम उनको फायदा दे रहे हो, उससे देश का सुधार नहीं हो सकता। यस ऑब्वियसली वी हैव टू प्रोटेस्ट इफ इफ द सेंटर इज नॉट लिसनिंग टू अस, सो वी हैव टू डू समथिंग ना।